बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी न्यूज़ और मैं हूं आमिर हबीब। आपको खबर देते हैं जोधपुर, भारत से। भारत में एक जालिम बाप ने अपनी 4 साल बेटी को कत्ल कर दिया। जालिम बाप का कहना है कि खुदा को खुश करने के लिए 4 साल बेटी को कत्ल किया। बेटी में शैतान दाखिल हो गया था। मेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज वो खुदा के पास भेजनी थी। भारत के इलाके जोधपुर में पुलिस ने 4 साल बेटी के मुबैना कत्ल के इल्जाम में उसके 26 साल बाप को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 साल रिजवाना अपने वालदैन और 11 माह की बहन के साथ सो रही थी कि मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जम नवाब अली कुरैशी की अहलिया शबाना ने अपने रिश्तेदारों के साथ थाने में आकर मजकूरा कत्ल से मुतलिक शिकायत दर्ज कराई थी। वाकया को इंतहाई हसास और घिनौना जुर्म समझते हुए तहकीकात के लिए जोधपुर के एसपी राजा दुष्यंत ने मुतअद्दद तफ्तीशी टीमें तश्कील दी, जबकि तहकीकात में सुराख और साफ कुत्तों की भी मदद ली गई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान बालक के किरदार को मशकूक करार दिया गया था, जिसके बाद मकतूला के बालक को गिरफ्तार किया गया। पब्लिक टीवी न्यूज़ देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आमिर हबीब और ताज़ा तरीन खबरें और प्रोग्राम देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक टीवी मीडिया .com।